नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सेल के साथ बीएसपी ने भी दिव्यांगजनों के लिए वितरित किए सहायक उपकरण। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अप्रैल से नवंबर अवधि में उत्पादन के सभी प्रमुख मापदंडों में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। बीएसपी द्वारा 2 दिवसीय लर्निंग फ्रॉम ईच अदर कार्यशाला का आयोजन। बीएसपी के ओर हैंडलिंग प्लांट में आयरन ओर लंप क्रशिंग यूनिट का उद्घाटन। भिलाई में विक्रेता विकास सह उत्पाद औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बीएसपी के मानव संसाधन विकास केंद्र में सीएसआर के तहत 4 दिसंबर को संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांगजनों हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दास गुप्ता ने दिव्यांगजनों के विभिन्न वर्गों को एलिमको के सहयोग से प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में संयंत्र के सभी कार्यपालक निदेशक गण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे। परीक्षण शिविर में भिलाई और आसपास के क्षेत्रों के कुल 311 दिव्यांगजनों ने इसका लाभ उठाया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने इस सकारात्मक पहल का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस पहल से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के साथ ही अपने विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगता के प्रति सामाजिक जागरूकता में सकारात्मक बदलाव का उल्लेख किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निरंतर वृद्धि दर्ज करते हुए संयंत्र ने अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में उत्पादन के सभी प्रमुख मापदंडों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संयंत्र ने ओवन पुशिंग, सिंटर, हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील उत्पादन के साथ डिस्पैच के लिए लॉन्ग व फ्लैट प्रोडक्ट्स की लोडिंग में भी शानदार वृद्धि दर्ज की है। संयंत्र के सिंटर प्लांट विभाग व मानव संसाधन विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय लर्निंग फ्रॉम ईच अदर लियो कार्यशाला का आयोजन 5 दिसंबर को भिलाई निवास में किया गया। कार्यशाला का विषय रिडक्शन ऑफ सिंटर रिटर्न फाइंस इशूज एंड अपॉर्चुनिटीज था। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार थे। श्री अंजनी कुमार ने कहा कि ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के लिए सिंटर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है और प्रत्येक इस्पात संयंत्र अपने द्वारा उत्पादित सिंटर की गुणवत्ता और मात्रा से प्रभावित होता है। उन्होंने प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस सिंडिकेट चर्चा में सामूहिक रूप से विचार मंथन व अपने विचार साझा करने हेतु उन्हें आमंत्रित किया। कार्यशाला का समापन 6 दिसंबर को भिलाई निवास में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य तथा संयंत्र के उच्च प्रबंधन सहित वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला में सेल की विभिन्न इकाइयों और माइंस के साथ साथ निजी इस्पात संयंत्रों के सेंटर प्लांट विभाग के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान माइंस, सेंटर प्लांट्स, ब्लास्ट फर्नेस और ओर बेनिफिशिएशन प्लांट्स में विभिन्न प्रक्रियाओं को शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने 9 दिसंबर को ओर हैंडलिंग प्लांट में बहुप्रतीक्षित आयरन ओर लंप क्रशिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सहित संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे। यह यूनिट आयरन ओर लम्स को फाइंस में परिवर्तित करेगी, जिसमें आयरन की उच्च मात्रा होने पर बेहतर गुणवत्ता वाले सिंटर का उत्पादन होगा।
जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता में वृद्धि होगी। वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से ओर क्रशिंग यूनिट की कार्यप्रणाली और उपयोगिता को समझाया गया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने, क्रशिंग यूनिट से उत्पादन सुनिश्चित करने तथा विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाकर चुनौती को अवसरों में बदलने के लिए OHP टीम व भिलाई बिरादरी की सराहना की। कार्यपालक निदेशक वर्क श्री अंजनी कुमार व कार्यपालक निदेशक माइंस श्री BK गिरी ने OHP टीम के समर्पित प्रयासों व प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME विकास कार्यालय रायपुर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से मानव संसाधन विकास केंद्र में 13 और 14 दिसंबर को 2 दिवसीय CPSE स्तरीय विक्रेता विकास सह उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 13 दिसंबर को कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री AK चक्रवर्ती के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर BSP व विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। श्री AK चक्रवर्ती ने अपने संबोधन में भिलाई इस्पात संयंत्र में MSME और MSE विक्रेताओं के लिए उपलब्ध पर्याप्त व्यावसायिक संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने MSME और MSE के विकास को समर्थन देने की अनिवार्यता पर जोर दिया, जिससे देश के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके। उन्होंने BSP की आधुनिकीकरण इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग का समर्थन किया। अन्य समाचार इस प्रकार है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में मनाया गया 38वां कब बुलबुल उत्सव। संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में CPR जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा नाइट का आयोजन संपन्न। अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध भिलाई इस्पात संयंत्र ने की कड़ी कार्यवाही। इस्पात क्लबों के नवीनीकरण हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा भूमि पूजन। संयंत्र के शिक्षा विभाग एवं भारत स्काउट गाइड्स जिला संघ भिलाई के तत्वाधान में 38वां कब बुलबुल उत्सव 4 दिसंबर को मैत्रीबाग के कैंडल गार्डन में मनाया गया। इस उत्सव के समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री JY सपकाले तथा उप महाप्रबंधक TSD उद्यानिकी डॉक्टर NK जैन थे। इस उत्सव में गांठ बांधना, चित्रकला, सामूहिक नृत्य, बुलबुल ट्री, विविध वेशभूषा, साहसिक गतिविधि, झंडा गीत प्रतियोगिता आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। श्री JY सपकाले ने अभिभावकों को इस तरह के कार्यक्रम में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु धन्यवाद दिया। उन्होंने कब बुलबुल द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों की सराहना की तथा उत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। भिलाई इस्पात विकास विद्यालय सेक्टर 6 विजेता रहा। इस दौरान विविधता से भरे रंगारंग कार्यक्रमों में BSP के 8 शालाओं से 275 कब बुलबुल्स ने भाग लिया। कब बुलबुल के सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण ने आयोजकों, निर्णायकों एवं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में CPR जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया। यह आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M. रविंद्रनाथ के साथ सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने पूरे भारत में एक व्यापक CPR जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका लक्ष्य हृदय संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए लोगों को आवश्यक जीवन रक्षक कौशल में दक्ष बनाना है। इस पहल में संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र ने भी भाग लिया, जहां 100 से अधिक प्रतिभागियों ने CPR तकनीकों पर आवश्यक जानकारी के साथ उपचार संबंधी व्यवहारिक दिशा निर्देश प्राप्त किए। इस प्रशिक्षण सत्र में शामिल प्रतिभागियों में परिचारक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तथा DNB रेसिडेंट्स के साथ साथ चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित थे।
NBE द्वारा प्रसारित प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा CPR के विभिन्न पहलुओं प्रक्रिया का विस्तार प्रदर्शन के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी करके दिखाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्वाधान में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री सम्मानित श्री अनूप जलोटा का भिलाई क्लब के क्रिस्टल गार्डन में भजन गीत गजल व सुर संगीत से सजी शाम का शानदार आयोजन हुआ। भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा ने अपने चर्चित भजनों एवं गजलों की प्रस्तुति दी। इस आयोजन में स्थानीय व नवोदित कलाकारों के साथ विभिन्न संयंत्र कर्मी व आमजन भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए जानते हैं भिलाई के बारे में श्री अनूप जलोटा के विचार। जब कोई साफ सुथरे शहर में आते हैं तो तबीयत तो खुश होती है। भिलाई हरा भरा साफ सुथरा खुला हुआ शहर है, यहाँ के मन बहुत आनंदित होता है। और हम तो संगीतकार हैं तो हमें तो वो शांत प्रिय स्थान अच्छे लगते ही हैं, तो हमारे लिए ये एक रमणीय स्थान है, सुंदर स्थान है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के हित में यूनियन द्वारा इस्पात क्लबों के आधुनिक तरीके से नवीनीकरण किए जाने की मांग की जा रही थी। GSP प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सेक्टर 4 एवं सेक्टर 7 इस्पात क्लब का नवीनीकरण किए जाने का निर्णय लिया। इन क्लबों के नवीनीकरण हेतु औपचारिक तरीके से विधिवत भूमि पूजन इस्पात क्लब सेक्टर 7 में यूनियन पदाधिकारियों सहित BMS के कार्यकर्ता व BSP प्रबंधन के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें BSP प्रबंधन की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री जेवाय सपकाले सहित संयंत्र के अन्य अधिकारी गण शामिल थे। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित होता है, वहीं शिफ्ट के समय सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए संयंत्र के संपदा न्यायालय के आदेश पर नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रवर्तन अनुभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस व भिलाई नगर निगम के साथ मिलकर अवैध निर्माण कर रहे कब्जाधारियों तथा सड़क किनारे अवैध रूप से लगे ठेले गुमठी खोमचे इत्यादि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत खुर्सीपार मरोदा उतई भिलाई टाउनशिप सुपेला पावर हाउस विशाली सेक्टर BSP मार्केट बोरिया गेट के निकट चाइना मार्केट तथा BSP के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में अवैध कब्जा वाले स्थायी व अस्थायी दुकानों ठेला आदि अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। विशेष स्टोरी। कला के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भिलाई शिरकत करने वाले नामचीन कलाकारों से चर्चा। विगत दिनों कला के क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भिलाई शिरकत करने वाले नामचीन कलाकारों ने BSP के साथ भिलाई व कला के विषय में अपने अनुभव साझा किए। माया नगरी के जाने माने ख्याति प्राप्त मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग बासु, जिन्होंने भिलाई से अपना सफ़र शुरू किया और बॉलीवुड के शीर्ष पर अपनी सफलता का परचम लहराया है, जिन्होंने बर्फी मेट्रो गैंगस्टर जैसी मशहूर फिल्में हमें दी हैं। आइए जानते हैं भिलाई के बारे में इनका क्या कहना है और भिलाई इनके लिए खास मायने क्यों रखता है। मैं जो भी हूँ, जो भी सीखा हूँ कला के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, सब भिलाई का ही सीखा हुआ है। उसी का एक्सटेंशन आज मतलब मेरी लाइफ है और मेरा ये जर्नी है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग यही हुई है, यही नेहरू हाउस में मेरे पापा जो थिएटर करते थे वहाँ रिहर्सल्स के रूम में, उनको देखते हुए भिलाई के सारे कलाकारों को देखते हुए, भिलाई का उस वक्त बहुत अच्छा एक्सपोजर था, दुनिया भर के कलाकार आते थे, तो मुझे कभी लगा नहीं कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। हम सारे कलाकारों को यहीं पे सुनते थे, बड़े बड़े कलाकार आते थे। और तो आई थिंक ये सब जो है कहीं पे हमारा एक मेरा बेस तैयार किया, जिसकी वजह से मतलब जो मतलब बाद में काम है, फाउंडेशन ही तैयार हुआ।
अब रूबरू होते हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने 100 से अधिक थिएटरों में संगीत तैयार किया है तथा संगीतकार और साउंड डिजाइनर के रूप में अब तक 14 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जानते हैं जाने माने संतूर वादक पंडित दिसारी चक्रवर्ती से कि भिलाई में उनका अनुभव कैसा रहा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भिलाई में क्या है, बहुत पहले से ही यहाँ पे सांस्कृतिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा था, अभी भी है। तो और माहौल इतना अच्छा है कि जैसे जब मैं बजाया तो मुझे लगा कि मैं कोई बड़े शहर में हूँ, वहाँ उसमें जैसे ऑडियंस जैसे होते हैं ना, उनको समझ में आ रहा है, रागों का समझ आ रहा है, तो वैसे ही लगा। तो ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ऐसे शहर में हूँ कि जहाँ पर एक संगीत का पता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम बजा रहा हूँ। जैसे विदेश में जाते हैं तो ऐसा फीलिंग होता है हम लोगों को, लेकिन वैसा नहीं लगा कि भिलाई ऐसा ही है कि वो समृद्धि है उसमें, क्योंकि संस्कृति का जागरण है उसमें, वो लोग जानते हैं क्या क्या मैं बजा रहा हूँ क्या नहीं बजा रहा हूँ। भिलाई से शिक्षित भिलाई बिरादरी के सदस्य और यूएसएमए डिलॉयट कंपनी के एमडी श्री सजल मुखर्जी ने कॉरपोरेट जगत के साथ साथ थिएटर को भी अपनी रुचि में बनाए रखा है। भिलाई में आयोजित सखाराम बाइंडर के मुख्य किरदार का अभिनय निभाने वाले श्री सजल जी से एक रोचक चर्चा। इट फील्स ग्रेट, इट फील्स वंडरफुल फॉर मी, इट इज कमिंग बैक टू योर रूट्स। This is where I come from. This is the township that has given me everything in my life. The steel plant provided employment to my father, and that's how we all are here today. I was born here. So I am Bhilaian first and everything next. So it gives me immense joy and a sense of pride and accomplishment when I have come back and I have something to share, and if I have something to give back to this place which has made me who I am. पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है पायनियर स्मारक। सही जवाब देने वाले कार्मिक के नाम है संजीव कुमार। क्विज 11, रावघाट खदान के किस क्षेत्र से लौह अयस्क का खनन प्रारंभ हुआ है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc8@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।